व्यक्तित्व तो परिवर्तन में मिनिमम 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए पेशेंस को, पेशेंस की हर धर्म ने महिमा गाई है, हर धर्म ने। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो धैर्य शब्द को महान न कहे, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो। आप देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर धर्म में मौजूद है। दो संत ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे थे, तो नारद मुनि आए भगवान ने कहा कि ये जो दूसरा वाला है जो नाश्ता गाता है यही सबसे ज्यादा पहले मुझे पाएगा। बोले वो तो सीरियस बैठा रहता दिन भर, वो नहीं पाएगा। बोले ना, बोले क्यों? बोले जाओ तुम ऐसा करो, इन लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो, इनसे जाके कहो, दोनों से जाकर एक ही बात कहो कि तुम्हें प्रभु की उपलब्धि 100 साल बाद होगी। नारद ने कहा अच्छा, कहा ये कहोगे तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नारद उतर कर आए, पहले वाले संत के पास गए, बोले कि यार क्या कर रहे हो? बोला प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा हूं। कह आप तुम्हारी किस्मत में तो प्रभु 100 साल बाद ही हैं। वो लगा नाचने, कहा बस 100 साल, अरे कोई बात नहीं, लगा नाचने। दूसरे के पास गए जो बहुत सीरियस बैठा हुआ था, उसके पास गए। नारद ने उससे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो भाई? बोला भगवान को ढूंढ रहे हैं। बोले 100 साल बाद का समय है। उसने कमंडल उमंडल उठाक पटक दिया कि अभी 100 साल और, अरे भाड़ में जाए भगवान को पाना। तुम दुनिया में जो भी करते हो, जो भी करते हो, प्रेम कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पूजा कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, सब जगह तो मन इन्वॉल्व है। तो प्राचीन भारत में जो हम चंद्र को, अब हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया, यहीं से मैंने डिस्कशन शुरू किया था। आज हमारा मुद्दा यही था कि पास्ट में देखना क्या है। अब एक चीज तो हम यह देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब बड़ा महान आदमी था, सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस की बेटी से शादी कर लिया था, उसकी बेटी ले आया था। कुछ लोग इसी में खुश हैं। ऐसे ही लोगों को हम चचा कहते हैं, कुछ लोग इसी में खुश हैं।